बिहार जिले के सुपौल में रोजगार की मांग व रेलवे जहाज LIC पच PCLA यूनिवर्सिटी आदि के निजीकरण के खिलाफ आयशा व प्रतियोगी छात्रों ने संयुक्त देशव्यापी थाली पीटो कार्यक्रम के तहत आयशा के दर्जनों कार्यक्रम में थाली पीट कर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शामिल छात्र युवा मांगे रोजगार नहीं तो हर महीने 2-10 हजार रेलवे व अन्य कंपनियों का निजीकरण बंद करो, रेलवे सरेंडर किए हुए पद वापस लो, पिछले सभी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रक्रिया पूरा कर आलंबित बहाली करना होगा आदि गगनभेदी नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम को अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आयशा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाह सिर्फ निम्न व मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र रखते हैं। सभी विभाग में वैकेंसी निकाले तथा पुरानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरा कर सभी को रोजगार दे, नहीं तो देश के छात्र नौजवान जोरदार आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं लोगों का नजारा अलग है, कोई संगठन नहीं, कोई बैनर नहीं, बल्कि तमाम छात्र एक साथ आकर के रोजगार के सवाल पर, निजीकरण रोकने के सवाल पर, रेल बेचने का विरोध करते हुए, जहाज बेचने का विरोध करते हुए, थाली पीटने का काम करके केंद्र राष्ट्र को जगाने का काम किया है। युवाओं को नौकरी की जरूरत है, नौकरी दो। अखंड भारत न्यूज के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट, सुपौल।